दोस्तों, हजारों वर्षों से विभिन्न ग्रंथों, ज्योतिष एवं आध्यात्मिक चर्चाओं में एक प्रश्न पर विचार किया जाता रहा है कि नियति यानी डेस्टिनी क्या है। क्या जीवन में सब कुछ पहले से निर्धारित है या फिर हम खुद अपनी नियति का निर्माण कर सकते हैं? क्या नियति को बदला जा सकता है? हमें समझना होगा कि यहाँ नियति यानी डेस्टिनी से तात्पर्य उस निश्चित एवं अटल दैवीय विधान से है जो कि सामान्यतः पूर्व नियत और मनुष्य के ललाट पर लिखे होते हैं, मनुष्य के हथेलियों पर लिखे होते हैं, मनुष्य की रेखाओं पर लिखे होते हैं। कुछ लोग नियति यानी भाग्य में विश्वास रखते हैं, वहीं कुछ लोग यह मानते हैं कि स्वतंत्र इच्छा और चयन की स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन असल में जीवन इन दोनों अतियों के बीच में कहीं होता है। दाजी, नियति को जेनेटिक्स की तरह लचीली मानते हैं। जिस तरह से जेनेटिक्स में मानवीय जीनोम द्वारा निर्धारित एक नियत जेनेटिक पैटर्न के साथ साथ एक परिवर्तनशील एपिजेनेटिक भाग भी होता है, जहां मूल अनुवांशिक संरचना तो नियत होती है, परंतु हमारा वातावरण, विचार और भावनाएं, यह सभी हमारे जीन के प्रकट होने के तरीके को प्रभावित करते हैं। नियति भी डेस्टिनी भी इसी तरह की होती है। आपके जीवन में प्रकट होने वाली सभी चीज़ें, व्यक्ति, घटनाएं एवं परिस्थितियां सब डेस्टिनी हैं, लेकिन उन सब के प्रति आपके द्वारा व्यक्त प्रतिक्रिया आपकी स्वतंत्र इच्छा है कि आप इनमें क्या चयन करते हैं और कैसे करते हैं। पिछले हजारों वर्षों के विभिन्न जन्मों में हमारे द्वारा किए गए कर्मों का कुल जोड़ डेस्टिनी है। सभी जिंदगियों में हमें चयन करने की स्वतंत्रता होती है। इस प्रकार इन विभिन्न जन्मों में हमारे द्वारा स्वतंत्र इच्छा के प्रयोग में किए हुए चुनाव से ही वर्तमान नियति का निर्माण होता है। साथ ही यह भी कि वर्तमान में हमारे द्वारा स्वतंत्रता के प्रयोग में किए गए चयन ही आगे चलकर हमारी नियति में बदल जाते हैं। जीवन यात्राओं में हमारे द्वारा किए गए चुनाव ही हमारी डेस्टिनी को तय करते हैं। इस प्रकार नियति एवं स्वतंत्र इच्छा दोनों विपरीत ध्रुव ना होकर रेल की पटरी के समान साथ साथ चलते हैं, साथ ही दोनों एक दूसरे के कारण एवं परिणाम भी होते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि आखिर डेस्टिनी तय कैसे होती है, जिसे हम नियति कहते हैं। जब किसी के जीवन में कुछ बुरा या अशुभ घटित होता है तो सामान्यतया लोगों के द्वारा यह कहकर दिलासा दी जाती है कि भगवान की यही मर्जी थी। अरे, भगवान को तो परमपिता परमात्मा माना जाता है, और कोई भी पिता कैसे अपने बच्चों के साथ बुरा कर सकता है? तो फिर वह कौन सी शक्ति है जो नियति को तय करती है? दोस्तों, कर्म फल का सिद्धांत वह शाश्वत सिद्धांत है जो हमारी नियति को निश्चित करता है। इसे कारण और परिणाम का यानी द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट भी कहा जाता है। मैंने द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट के बारे में एक डिटेल वीडियो पहले बना रखा है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। पृथ्वी एक पाठशाला है। भूलोक को आत्माओं के द्वारा एक बहुत ही कठिन विद्यालय माना जाता है। यहाँ आत्मलोक से हम अपने कार्मिक ऋणों का भुगतान करने, परीक्षा एवं प्रशिक्षण से गुजरने एवं आध्यात्मिक जीवन कार्यों को पूरा करने आते हैं। भूलोक पर हमारे द्वारा जो भी कर्म किए जाते हैं वह संचयी प्रभाव रखते हैं। अच्छे बुरे सभी कर्म हमारे कार्मिक अकाउंट में जमा होते रहते हैं और उन कर्मों के परिणाम अगले जन्म में नियति के रूप में हमारे सामने आते हैं। कर्मों से तात्पर्य हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्य मात्र से ही नहीं है, इसमें हमारे विचार, भावनाएं एवं आवेग भी सम्मिलित होते हैं। हमारे मन में उठने वाला हर एक विचार हमारे कार्मिक अकाउंट में जमा होता रहता है। अगर आज के समय में हमारे कानून को भी आप देखते हैं तो कानून में कार्य से ज़्यादा इंटेंशन पर ध्यान दिया गया है। आपने कोई कार्य किया लेकिन किस इंटेंशन से किया, आपका उद्देश्य क्या था, ये आपके सजा का मापदंड होता है। अगर अनजाने में आपसे कोई गलती होती है तो वह गलती काफ़ी हद तक छूट के लायक है, लेकिन अगर आपने कोई जानबूझकर गलती की है, अगर आपने पहले से प्लान करके ऐसा किया है, तब आपको सजा निश्चित ही मिलती है। इस पृथ्वी पर जीवन के सारे हिसाब किताब आत्माओं के बीच होते हैं, ना कि शरीरों के मध्य। मृत्यु से हमारा स्थूल शरीर समाप्त होता है। हमारे विचार, भावनाएँ, अहंकार, कामनाएँ, वासनाएँ, इच्छाएँ, अनुभव, ज्ञान आदि, इन सब का संग्रहित बीज हमारे सूक्ष्म शरीर के रूप में साथ ही जाता है। सूक्ष्म शरीर ही हमारे पुनर्जन्म का कारण है। आज आप अपने जीवन पर देख लीजिए, आप लाख कोशिश करके देखिए, क्या आप सच में वहाँ तक पहुँच पाते हैं जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं, या आप वहाँ जरूर पहुँच जाते हैं जहाँ ईश्वर आपको भेजना चाहता है? असल में यह पूर्व निर्धारित होता है, जिसे आप नियति कहते हैं।
कर्मफल सिद्धांत पूर्व जन्म में की गई गलतियों का एक तरह से प्रायश्चित भी होता है। यदि वह गलती किसी गुण के अभाव के कारण हुई है तो वह गुण हमें इस जन्म में सीखना पड़ेगा। जैसे ईमानदारी के गुण के अभाव के कारण यदि चोरी की गई है तो हमें इस जन्म में न केवल उस व्यक्ति को चोरी का भुगतान करना होगा अभी तो आगे बढ़ने के लिए ईमानदारी का गुण भी सीखना होगा। यही बात संबंधों में भी लागू होती है। यदि हमारे द्वारा पूर्व जन्म में किसी को पीड़ा पहुंचाई गई तो उस पीड़ा को महसूस करने के लिए इस जन्म में भी वही स्थिति नियति द्वारा पुनः सृजित की जाती है। अंतर इतना होता है कि इस बार पीड़ित के स्थान पर हम होते हैं। हम जिस भी भावना से कोई कार्य करते हैं उसका भुगतान हमें इस जन्म या अगले जन्म में जरूर करना होता है। अगर आप बिना किसी इंटेंशन के कोई कार्य अनजाने में कर देते हैं तो वह आपके कर्मफल में नहीं जुड़ता, लेकिन अगर आपने जानबूझकर कोई कार्य किया, अच्छा या बुरा, तो वह आपके कर्मफल में अवश्य ही जुड़ता है। क्यों? क्योंकि वह आपकी स्वतंत्र इच्छा है और इस स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करके हम अपने लिए एक अच्छा जीवन बना सकते हैं। हम अपने अगले जन्म अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा अच्छी मात्रा में कर्मफल को लेकर जा सकते हैं। पर इस स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग कैसे करना है, अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हम इस डेस्टिनी के अगले भाग में इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। टारगेट होगा 100 लाइक का। अगर आप इस वीडियो पर 100 लाइक दे देते हैं तो हम इसका अगला भाग ज़रूर लेकर आएंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।